डाल दूंगा। गाइस ये आ गए हमारे हनी चिली पराठे, और हमारे वेज के भी सारे आइटम कंप्लीट होने ही वाले हैं। गाइस ये देखो, ये हमारा बनके पूरा रेडी हो गया, तो अपने प्लेट लगवाते हैं और टेस्ट करना शुरू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय फूड क्रश, और आज हम आए सीआर पार्क में रोल एंड रोस्ट। तो गाइस यहाँ पे मिलता है चाइनीज चाट, आपको मेरे सामने दिख रहा होगा, भैया भी उसे लगा रहे हैं। भाई चलो चलते हैं, इनका चाइनीज चाट ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। गाइस ये आ गए हमारे नूडल्स, डाल दो भैया। ये चेक करो, ये बल्क में नूडल्स है, कितने सारे नूडल्स हैं इसके अंदर, मज़ा आ गया। भाई नूडल्स का पहाड़ बन गया, तो ओवरलोडेड। भाई गाइस ये आ गया हमारा वेज मंचूरियन, चिकन मंचूरियन है डाल दो। गाइस ये आ गया हमारा चिकन मंचूरियन, पर हम तो अपना वेज वाला लेंगे, और जो वेज का प्राइस है वो 180 रुपीज़। भाई इनके सामने 180 में आपको ये सब मिलेगा, और नॉन वेज कॉम्बो जो है 260 रुपीज़ का। ये इनकी पूरी प्राइस लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। गाइस ये आ गया हमारा चिली चिकन ड्राई, भाई एकदम फ्रेश चिकन है, अभी इन्होंने अपने यहीं पर बनाया है। ये देखो एकदम गर्मा गर्म चिकन। शेजवान चिकन, भाई ये आ गया हमारा शेजवान चिकन, डाल दो बेस में डाल दो। भाई ये देखो कितना सारा आइटम्स हमारे इसके अंदर आ चुके हैं, और चिली चिकन भी इसके अंदर आ गया है। बाकी ये रहे भाई हमारे नूडल्स इसके अंदर, और हमारे फ्राइड राइस, मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, और ये हमारा चिली हेरा चिकन। भाई जी देखो, डाल लो। गाइस ये आ गए हमारे चिकन विंग्स, भाई जय के मुँह में तो पानी आ गया, देखते हैं जय जय उसी को देखा जा रहा है, कह रहा है बस चिकन विंग्स दे दो मेरे को और कुछ नहीं खाना। और गाइस जय को सदमा लगा है, अभी उसकी मेरी डेट आई है, तो सदमे में पागल हो गया, कह रहा फटाफट सर चिकन विंग्स मेरे को दे दो। गाइस ये आ गया हमारा चिली पनीर, भाई तो मेरे मतलब का आइटम है, क्योंकि मैं तो वेज ही खाता हूँ ज़्यादातर। भाई जो खुशबू आ रही है भाई, बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत शानदार लग रहा है ये। चिली चिकन ग्रेवी डाल, ग्रेवी बोल रहा है ये। गाइस ये आ गया हमारा चिली चिकन ग्रेवी, अच्छा अच्छा भाई जैसे पहले चिली चिकन ड्राई आ चुका है इसके अंदर, और चिली चिकन ग्रेवी है, बहुत सारी वैरायटी आप इनके पास देख सकते हो। बस तीन हमारे जो बॉक्सेस हैं वो खाली बचे हैं, बाकी सारे इन्होंने भर दिए हैं। भाई बोला हमारा वेज का आइटम और ये हमारे चिकन वाले आइटम यहाँ पे लगे हुए हैं, वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है इनके पास। भाई गार्लिक चिकन, और चिकन का तो हमारे सारे आइटम कंप्लीट हो गए हैं इसके अंदर। भाई ये देखो, ये तो हमारा गार्लिक चिकन हो गया, ये हमारा चिली चिकन ग्रेवी, और ये क्या बताया था भैया आपने, चिकन विंग्स, चिकन विंग्स, और ये चिकन मंचूरियन, चिली चिकन ड्राई, शेजवान चिकन, चिली चिकन ग्रेवी। तो भाई यहाँ पे एक साइड सारा चिकन चिकन लगा रखा है इन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, और एक साइड सारा वेज लगा रखा है, डाल दीजिए। गाइस ये आ गए हमारे हनी चिली पराठे, और हमारे वेज के भी सारे आइटम कंप्लीट होने ही वाले हैं, नॉनवेज तो उन्होंने पूरा भर दिया है भाई बढ़िया तरीके से। बाकी अभी हमारे वेज के आइटम है, एक आइटम रह गया, बाकी सारे वेज के भी आ गए हैं। मंचूरियन कितने का है? गाइस ये हमारा वेज का लास्ट आइटम आ गया, सोया चिली, तो कितनी सारी वेजिटेबल्स डाल रखे हैं इसके अंदर, और भाई बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है देखने में ही। भाई पूरा हमारा चाइनीज प्लेटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ये सारे आइटम एक बार अंदर देख सकते हैं। भाई जी देखो, ये हमारा बनके पूरा रेडी हो गया, तो अपने प्लेट लगवाते हैं और टेस्ट करना शुरू करते हैं। करो स्टार्ट कर दो नूडल्स। भाई सबसे पहले हमारे वेज प्लेटर में आ गए हमारे नूडल्स, राइस, एक चीज़ मिलती है दोनों में से, दोनों चाहिए, थोड़े से डाल दो राइस, ज़्यादा मत डालना। राइस ये इनके फ्राइड राइस, प्राइस क्या भी है प्लेटर का? 180 का सर, 180 का वेज प्लेटर। राइस ये आगे इसमें फ्राइड राइस,
और ये हमारा मंचूरियन, पर मंचूरियन चलाना भी एक बार चौमिन पे डाल देना गाइस, ये और चौमिन के ऊपर डाल देना भैया मंचूरियन। चिली पनीर सोया चिली पनीर, ओ हनी चिली पनीर नहीं है इसमें, अच्छा वो भी आएगा जी। आ गया इसके अंदर हमारा हनी चिली पनीर भी भाई, हमारा चाइनीज प्लेटर जो है बनकर रेडी हो गया, बहुत शानदार लग रहा है देखने में। यहीं पे फोटो ले ले, यहीं ले लेता। सो गाइस हमारा चाइनीज प्लेटर बनकर रेडी हो गया भाई, इसके अंदर आप देख सकते हो भाई इनके फ्राइड राइस हैं, इनके चिली पटेटो है, हनी चिली पटेटो, इनका भाई सोया चिली चाप, ये इनके नूडल्स हैं, ये इनके मंचूरियन, और भाई ये क्या था, ये हमारा चिली पनीर था। सो भाई ये 180 रुपीज़ में आपको ये सब मिलेगा यहाँ पे। और अभी आपने देखा भाई, इन्होंने पूरा एकदम बल्क में भर रखा था ये, तो भाई देखने में कितना शानदार लग रहा था भाई, उसकी खुशबू थी भाई बहुत ज़्यादा, माउथ वाटरिंग थी। तो भाई मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आज कॉलेज गया हुआ था, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो चलो यार इसे खाना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई। जय के चक्कर में आज पता है आपको, मैं 5 बजे तक कॉलेज में बैठा रहा और अब 5:30 कितना टाइम हो रहा है भाई, घड़ी भी बंद हो गई मेरी आज, इतना स्ट्रगल करा है मैंने, सुबह से भूखा मर रहा हूँ मैं, 6 बज गए हैं, और चलो इसे खाना शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं मैं नूडल्स से, ऐसी हैं इनकी नूडल्स भाई, देखने में तो बहुत सही लग रहे हैं। कर सो वैसे टेस्ट नूडल्स का भाई बहुत सही था, बहुत बैलेंस था, ऐसा नहीं था भाई नमक है कोई भी चीज़ ज़्यादा हो, भाई टेस्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका। एक बार मंचूरियन के साथ ट्राई करते हैं, क्योंकि जो मंचूरियन और हमारे नूडल्स होते हैं भाई सबके फेवरेट कॉम्बो होता है वो। तो भाई आप मेरे को कमेंट करके बताना आप मंचूरियन के साथ फ्राइड राइस खाते हो या नूडल्स, मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ, और अब इतनी ज़्यादा भूख लग रही है तो भाई मतलब क्या ही बोलूँ बस मैं। बहुत अमेजिंग टेस्ट है भाई मंचूरियन, बॉल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब मुँह में रखकर एकदम घुल गई, बट टेस्ट मतलब दोनों चीज़ें ट्राई करी कॉम्बिनेशन एकदम जानलेवा भाई, एकदम कातल टेस्ट है इसका, तो मज़ा आ गया। अगर अपने लगे यहाँ चिल्ली पनीर भी ट्राई कर लेते हैं, चलें चल। वैसे चिल्ली पनीर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब एकदम फ्रेश पनीर यूज़ कर रखा है इन्होंने, और जो मतलब हल्का सा स्पाइसी भी है, जैसे चिल्ली पनीर होना चाहिए हल्का सा स्पाइसी है, एकदम फ्रेश है, मज़ा आ गया। सो गाइस हमने 3 चीज़ें ट्राई करी इसके अंदर, सो तीनों भाई एक से बढ़ के एक हैं, तीनों बहुत बढ़िया लगी मेरे को। सो गाइस अब टाइम हमारा फ्राइड राइस के साथ इसको टेस्ट करने का, तो बरन के चिली पनीर और फ्राइड राइस टेस्ट करके देखते हैं टेस्ट कैसा है भाई। किस किस के मुँह में पानी आ गया वीडियो देख के ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताना, क्योंकि भाई मेरे मुँह में तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। भाई मतलब इतनी तारीफ करूँ मैं इस प्लेटर की भाई उतनी कम है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मेरे को। तो भाई बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल रखी उन्होंने अपने फ्राइड राइस के अंदर, और जिनका भाई चिली पनीर ना भाई एक नंबर चिली पनीर है, मतलब ऐसा चिली पनीर कभी ट्राई नहीं करा मैंने भाई, एक नंबर है। सो भाई जब ट्राई करते हैं इनका हनी चिली पटेटो भाई, अब तक जितने आइटम्स ट्राई करे सारे मेरे को ओपी लगे एकदम भाई, इनका हनी चिली पटेटो है भाई, मन कर रहा है पूरा खा जाऊँ एक बारे में भाई, बहुत टेस्टी है सही में यार, मतलब एक तो इतनी भूख लग रही है, ऊपर इतना टेस्टी टेस्टी खाना रखा है ना, मतलब भाई मैं बता नहीं सकता, बहुत सही लग रहा है। और अगर हनी चिली पटेटो हो तो टेस्ट भाई बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हनी का टेस्ट आ रहा हो या बहुत ज़्यादा चिली का टेस्ट हो, भाई एकदम तो न्यूट्रल टेस्ट है, तो भाई मज़ा आ गया। सो भाई जब बारी हमारा सोया चाप ट्राई करने की भाई, इसको सोया चाप को ट्राई करते हैं, पूरा ही खा जाऊँ एक बारी में भाई, बहुत ज़्यादा रिच है फ्लेवर्स के अंदर भाई, एकदम सॉफ्ट था
मैं बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगी चबाने में, मतलब सारा आइटम इसके अंदर मैंने फ्रेश यूज़ करा था भाई, मतलब आपको क्वालिटी से पता लग जाएगा, इसको खाओगे ना आपको खुद पता लगेगा भाई इसके अंदर सारा जो खाना है बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो भाई ये मतलब देखने में आपको चाइनीज़ खिचड़ी लग रही होगी कि चाइनीज़ खिचड़ी बना दी मैंने तो इस प्लेट के अंदर, बट भाई जो हर एक चीज़ का टेस्ट है वो आपको अलग अलग आएगा आपके मुँह के अंदर, वो जो फ्लेवर्स हैं भाई वो एक नंबर है, एकदम जानलेवा टेस्ट है भाई। हमें को तो बहुत सही लगा ये प्लेट, और जो इसका प्राइस है भाई 180 रुपीज़। तो अगर मेरा वेज प्लेटर का रिव्यू, आपको पता है भाई नॉनवेज तो मैं खाता नहीं हूँ भाई, अभी जैनी ट्राई करता हूँ नॉनवेज, तो वो बता रहा है भाई बहुत बहुत उसका भी अच्छा टेस्ट है। अगर जो लोकेशन है भाई रोल नाम था भाई, जो लोकेशन है भाई रोल एंड रोस्ट सी आर पार्क, जो एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो भाई। बाकी एक बार यहाँ पे आओ, खुद आप इसे खा के ट्राई करो भाई, मेरे को तो बहुत सही लगा। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।